इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। एयर इंडिया में जो पूरा का पूरा मामला था उसका आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी आईजीआई रवि कुमार सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, आरोपी शंकर को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, कहां कहां पर ये छिपा हुआ था, कैसे इसकी गिरफ्तारी की गई? देखिए, ये बेंगलोर में इनकी जो है लोकेशन थी और जो लोकल इनपुट था और लोकल पुलिस के असिस्टेंस से इनको बेंगलोर में संजय नगर इलाके से इनको अरेस्ट किया गया है कल रात में और उसके बाद दिल्ली ले आए हैं हम लोग। कहाँ कहाँ ये छिपा हुआ था, क्योंकि मैसूर की भी बात सामने आ रही थी, मैसूर में छिपा, आपकी टीम मुंबई भी गई, बेंगलोर में कहाँ से पकड़ा गया ये? बेंगलुरु में जैसे मैंने बताया संजय नगर इलाका है, उसी से वहीं से पकड़ा गया है। और अब कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन थी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी चीज़ें क्लियर करनी बाकी हैं। आपने जब इसमें FIR दर्ज की थी, आपकी कंप्लेनेंट से बात हुई, पूरा क्या मामला था, उन्होंने क्या कुछ आप लोगों को जानकारी दी, एयर इंडिया स्टाफ ने आप लोगों को क्या जानकारी दी, जिसके बाद आप लोगों ने जाँच शुरू की? देखिए, जो इनकी ओरिजिनल कंप्लेंट थी कंप्लेनेंट की, वो जब एयर इंडिया ने हमें फॉरवर्ड की तो उसके बेसिस पे तफ्तीश ये शुरू की गई। मोटा मोटी जो मामला है वो कॉरोबरेट ही किया है विक्टिम ने कि हुआ है। ओरिजिनल कंप्लेंट पे हम लोगों ने इस चीज़ पे शुरू किया और जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने अपना ज्वाइन नहीं की इन्वेस्टिगेशन और इवेड करना शुरू किया इन्वेस्टिगेशन को, तो इसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। क्या क्या सेक्शंस आपने लगाए हैं इस पूरे केस में? सेक्शन इसमें जो है 294, 354 और 509, 510 IPC लगे हैं और 23 एयरक्राफ्ट रूल लगा हुआ है। आरोपी से जब आपने गिरफ्तार किया, जो उससे शुरुआती पूछताछ अब तक हुई होगी, वो क्या बता रहा है कि उसने इस तरह की हरकत क्यों करी, जानबूझकर करी, कोई मोटिव था या किस हालात में करी? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, एक बार हम लोग कोर्ट में पेश करें उसके बाद मैं थोड़ा कमेंट कर पाऊंगा। आखिरी सवाल सर, कि आज आप इसकी कस्टडी लेंगे और दूसरा, जो इनकी लॉयर्स हैं कंप्लेनेंट की, जो आरोपी है उसके जो लॉयर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इनकी आपस में कोई सेटलमेंट भी क्या इनका हुआ था, कुछ व्हाट्सएप चैट आए थे, कुछ बातचीत हुई थी कि समझौता करना है इस पूरे मामले के अंदर? जी, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप रिमांड लेंगे आज? हाँ, अभी इस पे है, निर्णय लेना है, लेंगे इनकी रिमांड। देखिए, बिल्कुल DCP IGI रवि कुमार सिंह है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसने इस तरह की हरकत एयर इंडिया की फ्लाइट में आखिरकार क्यों की, उसका क्या कोई मोटिव था, ये सारी चीज़ें जो है अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उससे पूछताछ की जाएगी और इसीलिए आज उसे जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि आरोपी की रिमांड दी जा सके ताकि उससे इस पूरे मामले के अंदर आगे पूछताछ की जा सके। कैमरामैन अश्वनी के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।